तो कैसे हो भाई लोग, मैं हूँ यश पटेल और आप देख रहे हैं सोशल एक्टिविटी। यहाँ पे ऑफर मार्केट में ऑफर काफी चलती रहती है, जैसे कि पेजैप ने ऑफर निकाली थी जहाँ पे आपको 250-250 करके ऐसे 4 बार ट्रांजेक्शन करने थे, पेजैप आपको 50 रुपीज का कैशबैक दे रहा था। ऐसे ही एयरटेल पेमेंट बैंक ने ऑफर निकाली थी जहाँ पे 2000 रुपीज यूपीआई से ऐड करने थे, एयरटेल पेमेंट बैंक आपको 25 रुपीज का कैशबैक दे रहा था। एयरटेल पेमेंट बैंक से आप 50 रुपीज 2 बार ऑफर अप्लाई करके ले सकते थे और यहाँ पे पेजैप भी आपको 50 रुपीज दे रहा था। लेकिन ऑफर अप्लाई करने से डर इसीलिए लगता है क्योंकि अगर ऑफर को अप्लाई कर दिया, अगर हमने एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे भी ऐड कर दिए, अगर वो पैसे अगर बैंक में ट्रांसफर नहीं हुए तो पेजैप में ऑफर अप्लाई कर दिया, लेकिन पेजैप में ऑफर अप्लाई किया और वो पैसे बैंक में ट्रांसफर नहीं हुए तो, क्योंकि पेजैप का जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है, एयरटेल पेमेंट बैंक का कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, TMW का जो कार्ड है वो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि ये जो डेबिट कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके पैसे बैंक में ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन एक एप्लीकेशन है जहाँ से आपके ये तीनों डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पैसे आप इजीली बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे और साथों साथ पैसे ट्रांसफर नहीं, आप यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा पाओगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे एप्लीकेशन मानेगा कि आपने उनके एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करने पर आपको पैसे मिलेंगे, तो है ना बहुत मज़ेदार एप्लीकेशन। तो वीडियो पूरा देखना, अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो KYC में प्रॉब्लम आएगी। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है इजी प्लान। ये एप्लीकेशन एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, आपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन देखा होगा और ये एप्लीकेशन पावर्ड बाय है ICICI बैंक। ये एप्लीकेशन का जो KYC होता है वो ICICI बैंक मैनेज करते हैं, ठीक है, तो बहुत सिक्योर एप्लीकेशन है और आप यहाँ पे पैसे ऐड करते हो इसलिए एप्लीकेशन आपको 10 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक का बोनस भी देती है और वो पैसे आप बैंक में ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन यहाँ पे KYC की प्रोसेस बहुत लंबी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इजी प्लान एप्लीकेशन की आपको लिंक दे दूंगा, वो लिंक पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके बाद मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर के बाद एप्लीकेशन आपके लिए ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपकी KYC की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब KYC में आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है जो आपको सही सही देनी होगी, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पान कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा आपने पान कार्ड से लोन लिया है कभी भी वो भी आपको बताना होगा, अगर आपने पान कार्ड से कभी भी लोन नहीं लिया वो भी आपको बताना होगा। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको पूछेगा कि आपका नेम कौन सा है, तो आप अपना नेम दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप यहाँ पे सेविंग गोल करना चाहते हो, मीन्स आप अपने पैसे यहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको पूछेगा कि आप कौन सा सेविंग गोल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इमरजेंसी फंड कर देना। इमरजेंसी फंड के अलावा कार लोन होम बहुत सारे हो गए, मैंने भी यहाँ पे इमरजेंसी फंड ही किया था, तो इमरजेंसी फंड करो। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस से सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पान कार्ड मांगेगा, पान कार्ड का आप जब नंबर दे दोगे तो पूछेगा कि आपने कभी भी पान कार्ड से लोन लिया है, तो आप यहाँ पे मना कर देना कि मैंने पान कार्ड से कभी लोन नहीं लिया है। उसके बाद पान कार्ड का फोटो मांगेगा, आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का फोटो। उसके बाद आपको सिग्नेचर देनी होगी, जो आपकी सिग्नेचर होगी वो सिग्नेचर आप एक वाइट ब्लैंक पेपर में अपनी सिग्नेचर देने के बाद एक OTP बोलेगा, वो OTP आप अपना फेस रिकॉर्ड करके वो OTP बोलना होगा मुंह से, और वो भी रिकॉर्ड करके देना होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है KYC में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, जब मेरी KYC फेल हुई थी तो कंपनी ने मुझे नंबर दिया था कि आप ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो KYC के बारे में, जो भी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हो। आपको उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये सब नहीं बताना कि मैंने आपको नंबर दिया है, लेकिन कोई क्वेरी हो तो डायरेक्ट जाके पूछ सकते हो अगर आपकी KYC फेल हो तो। जब भी आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी 2-3 दिन में, उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने को बोलेगा, ताकि आपने जो पैसे ऐड किए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पैसे डायरेक्ट बैंक में आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का जो नंबर है पेटीएम पेमेंट बैंक इस एप्लीकेशन के साथ लिंक कर देता हूँ। और आपने एक बात नोटिस की, KYC भी कंप्लीट हुई और आपको यहाँ पे कुछ पैसे मिले होंगे, जैसे कि आपने मंथली इनकम ये सब कुछ डाला होगा तो आपको पैसे मिले होंगे 75 रुपीज़, 100 रुपीज़, क्योंकि आपने कुछ गोल सिलेक्ट किया होगा कि मैंने यहाँ पे 1500 रुपीज़ गोल सिलेक्ट किया है, 2000 रुपीज़ गोल सिलेक्ट किया है, तो आपको कुछ अमाउंट मिला होगा। मुझे तो यहाँ पे 75 रुपीज़ अमाउंट मिला है, कि आपको कितना मिला है, 75 रुपीज़, 100, 10, 20, आप ये गोल एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1500 रुपीज़ गोल एडिट करके 500 भी कर सकता हो, 1000 भी कर सकता हो, लेकिन आप बार बार गोल को एडिट करोगे तो आपको जो बोनस के रूप में 75, 100 रुपीज़ मिले वो कम कर देंगे। तो आप अच्छे से गोल सिलेक्ट करना जब साइन अप प्रोसेस कर रहे हो तो, और आपने जब पान कार्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली होगी, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई
तो आप रीएडिट भी इस एप्लीकेशन में कर सकते हो। जब वो लोग केवाईसी आपका कैंसिल कर देंगे तो रीएडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे दूंगा ताकि केवाईसी में आपकी कुछ प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। जब भी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आपने बैंक अकाउंट का ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 2 दिन के बाद। जब भी आप बैंक अकाउंट ऐड कर लोगे, उसके बाद आप गोल्ड वाले ऑप्शन पे जाओ। आपने जितना भी गोल्ड सिलेक्ट किया, कि मैंने यहाँ पे गोल्ड ऐसा सिलेक्ट किया है कि मुझे यहाँ पे 1500 रुपीस ऐड करने, मैं हर एक वीक 100 रुपीस करके ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपने 100 रुपीस ऐड किए और मान लीजिए कि वो 100 रुपीस अभी आपको बैंक में लेने, तो विड्रॉ का ऑप्शन है आपके पास, वो पैसे आप बैंक में ले लीजिए। आपने गोल ऐड किया है 1500 रुपीस और आप हर मंथ में 200 रुपीस ऐड कर सकते हो, तो आप 200 रुपीस अभी ऐड कीजिए और आपको वो पैसे चाहिए बैंक में तो पैसे ले लीजिए। लेकिन जब भी आप पहला गोल ऐड करोगे, उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन होगा ICICI बैंक के थ्रू। तो मैं यहाँ पे 100 रुपीस ऐड कर देता हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक के जो डेबिट कार्ड है उससे, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड है वहाँ पे 1000 रुपीस पड़े। तो उसके बाद सेव गोल पे टच किया, उसके बाद मुझे पूछा गया कि आप कितने रुपीज अभी ऐड करो। मैं यहाँ पे 100 रुपीज अभी ऐड कर देता हूँ। 100 रुपीज ऐड करने के बाद एयरटेल का डेबिट कार्ड का नंबर दे देता हूँ। डेबिट कार्ड के थ्रू एयरटेल के वाया जाऊंगा, उसके बाद एयरटेल का पिन नंबर डाल के 100 रुपीज सक्सेसफुली ऐड हो गए। ये वाला एप्लीकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आप ये एप्लीकेशन एक सेविंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको पैसे सेव करने पर आपको दुगना पैसा या आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलता है, साथों साथ आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। आप यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी डाल के आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जाओ फटाफट केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। आपको 3-4 दिन लगेगी, केवाईसी कंप्लीट होगा, बैंक अकाउंट ऐड होगा, सेविंग गोल होगा, ये सारी प्रोसीजर में 2-3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और कुछ पैसे कमाने को मिलेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छी ट्रिक लगी। अब आपको कैसी लगी मैं आप पे डिपेंड करता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि सभी दोस्त ये चैनल के बारे में जान सके, ये ट्रिक के बारे में जान सके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, कुछ नई ऑफर्स के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।